तो दोस्तों के पेशाइड में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर आए नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों ये जो कंपनी दोस्तों सानंद गुजरात में है, तो आप लोग जब लोकेशन भी सानंद गुजरात प्लांट में रहने वाला दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी प्लांट है दोस्तों वहाँ पर टाटा मोटर्स का, तो वहीं पर आप लोग जब लोकेशन दिया जाएगा। इसमें जो दोस्तों भाग ले सकते हैं, आईटी पास आउट कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। ओनली जो सिर्फ दोस्तों आईटी स्टूडेंट को ही इसमें लिया जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट आईटी से किए हैं प्राइवेट आईटी से किए हैं दोस्तों, आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। एंड महिला पुरुष दोनों को इसमें लिया जा रहा है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसमें दोस्तों जो दोनों के लिए सैलरी रखा गया है वो आपको 12,500 रुपये पर मंथ आपको दोस्तों इसमें सैलरी दिया जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपको कैंटीन बस, PFPSI, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, जो भी फैसिलिटी दोस्तों सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऐसे कैंपस पर्सन को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो 200 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों। और एक बात है दोस्तों इसमें कि आपको जो है 3 साल के लिए इसमें आपको लिया जाएगा दोस्तों। 3 साल के बाद दोस्तों इसमें जो है दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों। आप अगर ऐसे में डिप्लोमा करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो उसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा दोस्तों, तब जाके आपको उसमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो भी आईटीआई करने के बाद। अगर आईटीआई नहीं करते हैं डायरेक्ट, अगर डिप्लोमा में करना चाहते हैं, तो उसमें तो दोस्तों और भी ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। तो इसमें अच्छा है कि आप लोगों को मैकेनिकल ब्रांच से आपको फ्री जो है दोस्तों आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उसके साथ दोस्तों जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी साथ में आपको दिया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों। आप लोग जाइए इसका मतलब भाग लीजिए। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नीचे सारा कुछ मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं दोस्तों, तब लोग शुरू से आना दोस्तों इस वीडियो बने रहे, तब आप लोग समझ में आएगा। उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस वन की जानकारी जाती है, आईडी संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोग दे देते। चलो इस तभी चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग टाटा मोटर्स लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास हुआ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ये कंपनी है दोस्तों वो सानंद गुजरात में है दोस्तों। तो आप लोगों का जो लोकेशन भी सानंद गुजरात प्लांट में आपका रहने वाला है। इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है देख सकते हैं, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट सिर्फ भाग ले सकते हैं, चाहे आपके पास एनसीबीटी का सर्टिफिकेट हो या एससीबीटी का सर्टिफिकेट हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इस कैंपस पर्सन में भाग ले सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट आईटीआई सीखे हैं या प्राइवेट आईटीआई सीखे हैं, आप इस कैंपस पर्सन में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया देख सकते हैं, चाहे प्राइवेट आईटीआई एंड गवर्नमेंट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, दोनों के लिए इसमें लिया जा रहा है। और यहाँ पे जो आईटी ट्रेड दिया गया है, ओनली 2 इयर्स वाले ट्रेड वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। जिनका 2 ईयर का ट्रेड है सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड भी दिया गया देख सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, ये सब ट्रेड दिया गया दोस्तों। तो जिनका ट्रेड है वही केवल भाग ले सकते हैं। तो आप लोग अपना ट्रेड देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद कैंपस पर सुनने जाइएगा, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जेंडर भी दिया गया देख सकते हैं, महिला पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें एलिजिबल है दोस्तों। तो दोनों इस कैंपस पर्सन में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे एज लिमिट दिया गया 18 से 23 वर्ष दिया गया, जिनका एज 18 से 23 वर्ष के बीच है दोस्तों वही केवल भाग ले सकते हैं। नहीं आपका एज 18 से कम होना चाहिए, नहीं 23 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा एज लिमिट कम दिया गया है, तो आपका ज्वाइनिंग जो होगा दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा दोस्तों, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो रखा गया है 200 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली दोस्तों, तो 200 लड़के लिए जाएंगे दोस्तों, मेल फीमेल मिला के यहाँ पे 200 लिए जाएंगे। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर जो आपको सैलरी दिया जाएगा 12,200 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर जो आपको दिया जाएगा वो 12,500 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा आपको इसमें अंदर सैलरी मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपीरियंस है नहीं है, आप फ्रेशर है, तो फ्रेशर के लिए ज़्यादा सैलरी नहीं दिया जाता दोस्तों, तो सैलरी आपके लिए अच्छा है दोस्तों इसमें। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो कैंटीन यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, इंश्योरेंस, स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। उसके साथ जो है दोस्तों डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी मैकेनिकल ट्रेड से आपको जो है दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच से आपको सर्टिफिकेट फ्री मिलने वाला दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, इसमें यही एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इसमें आपको डिप्लोमा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर से अगर करने जाते हैं तो उसमें आपको जो लगभग दोस्तों 1,10,000-20,000 रुपया जो डिप्लोमा करने में खर्चा हो जाता है आईटी करने के बाद दोस्तों। तो इसलिए इसमें अच्छा है कि आप लोग कम से कम जाइए इसमें जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ताकि आपका जो लेवल है वो बढ़े दोस्तों। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो 10th का मार्कशीट, IT का मार्कशीट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो दोस्तों, और यहाँ पे न्यू अपडेट रिज्यूम, और इन सब डॉक्यूमेंट का तो जेरोक्स को भी साथ में आप लेके जाइएगा दोस्तों। उसके साथ जो है दोस्तों वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, हो सकता है कि आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा जाए, ज्यादातर दोस्तों मांगा जाता है, इसलिए आप
वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर जरूर लेके जाइएगा दोस्तों, वो भी दोनों डोज का। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो इंटरव्यू एड्रेस दिया गया है, के डी प्राइवेट आई प्रशिक्षण संस्था प्राइवेट जो फुल बरिया पोस्ट धनोती मठ सिवान बिहार में कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, तो आप लोग वहीं पे जाना पड़ेगा। कब जाना है देख सकते हैं, डेट भी दिया गया है जो 16 जून 2022 को सुबह 10 बजे से आप लोग जाना है। सुबह 10 बजे से वहाँ 3 बजे तक वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट चलेगी दोस्तों, इंटरव्यू चलेगी। तो दोस्तों आप जाके इसमें इंटरव्यू दे के जॉब पा सकते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली बिहार स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल, मतलब ओनली दोस्तों बिहार स्टेट से जो आई टी किए हैं वही केवल भाग ले सकते हैं, अदर स्टूडेंट नहीं भाग ले सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो अदर स्टेट वाले को जाने का जरूरत नहीं है, ओनली सिर्फ जो है बिहार वाले बच्चे ही जाइएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, जाइए आप लोग इस कैंपस प्लेसमेंट भाग लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।